जबलपुर के फाइनेंस सुरक्षा कर्मचारी संघ के कर्मचारियों के द्वारा बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया गया कि वह सभी लोग अलग अलग कंपनियों में कलेक्शन का काम करते हैं। वहीं 3 दिन पहले कुगवा में फाइनेंस कंपनी के राहुल पटेल की किश्त को लेकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं फाइनेंस कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने एसपी को बताया कि पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं कर्मचारियों के साथ हुई है जिसकी शिकायत थाने में करने के बावजूद उनका सहयोग नहीं किया जाता, जिसके चलते उनके इस प्रकार की घटनाएं होती है। वहीं कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने एसपी से मांग की है कि अगर वह थाने में शिकायत दर्ज करवाते हैं या सुरक्षा की मांग करते हैं तो उन्हें सुरक्षा दी जाए। वहीं ज्ञापन लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि फाइनेंस कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया है और सुरक्षा की मांग की गई है। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि किसी भी प्रकार का सहयोग उन्हें पुलिस से चाहिए होगा तो 24 घंटे पुलिस उनके सहयोग के लिए खड़ी है। आज जबलपुर शहर में किसी भी कंपनी में जो प्राइवेट युवा नौकरी करता है और वो जितना असुरक्षित है, उसके लिए जबलपुर शहर की हर कंपनी में काम करने वाला युवा सड़क पर निकल कर आया है पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग करने के लिए, जिसमें हम सब लोगों ने आज यहाँ आप देख रहे हैं 200-400 लोगों की संख्या में है और एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है। 2 दिन पहले एक बच्चे की हत्या कर दी गई, अभी कल रात को गोरखपुर में एक कलेक्शन एग्जीक्यूटिव को चाकू मार दिया गया। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं जिनके विरोध में और सुरक्षा की दृष्टि से हम सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम एसपी साहब से मांग की कि हमारे साथ कोई घटना दुर्घटना होती है और हमारी कोई शिकायतें हों उसको पुलिस ले और संज्ञानता में लेते हुए हमारी रक्षा करें। जो हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं रहे उनके साथ कोई घटना दुर्घटना हुई है उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और कंपनी पे इतने सारे हुजूम ने जो 24 घंटे में एकत्रित हुए उसका लाभ उसको मिला है। आज 35-37 लाख रुपये कंपनी देने स्वयं वहाँ से आई है और उसके बच्चों की परवरिश और पढ़ाई की बात की गई थी, जो हम सब कंपनियों के अलग अलग जगह से लोग जो हमें एकत्रित हुए वो उसको लाभ दिला रहे हैं। आज एसपी साहब से मुलाकात हमने समय लिया था, उन्होंने आश्वस्त किया और हमने जो मांग की थी कि ये घटनाएं जो होती है उसका कारण भी यह है कि पुलिस हमको सहयोग नहीं करती है। ऐसी घटनाएं जब भी संज्ञान में आए तो पुलिस हम लोग को सहयोग करें, हमारी शिकायतें लें। आए दिन फोटो वीडियो वायरल होते हैं, हम एक आम कर्मचारी हैं जो अपना जीवन यापन अपनी नौकरी से करता है, सुरक्षित निधि एक जो एक सैलरी है उसमें जीवन यापन होता है और कोई अवैध पैसे कहीं से मिलते नहीं, ऐसा कार्य होता है। तो पुलिस हमारी भी एक आम आदमी जैसी मदद करे और कोई हमारे आए दिन जो हमारे को प्रहार होते हैं या लोग घेरते हैं या दबाव बनाते हैं उससे हमको मुक्ति मिले और हम सामान्य रूप से जनजीवन जी सकें और काम कर सकें। एक फाइनेंस कर्मचारी संघ जबलपुर से यहाँ पर 100-150 लोग आए हुए हैं। एक घटना अभी थाना संजीवनी नगर में घटी, राहुल पटेल नाम के व्यक्ति जो रिकवरी एजेंट था उसका जब किस्त मांगने गया था तो कुछ लोगों ने उस पर लाठी और पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कारित कर दी थी। और भी ऐसे कुछ घटना ये बता रहे हैं, तो हमने इनको आश्वस्त किया है कि जब भी इनको थाने स्तर पे पुलिस की आवश्यकता होती है या थाना पर कोई मदद नहीं मिलती है तो हम हमारे स्तर पर आए वरिष्ठ अधिकारियों के पास, इनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी और हम इसीलिए देशभक्ति जनसेवा की भावना के लिए ही बैठे हुए हैं। हमने इनको आश्वस्त किया है कि जब भी ये सुरक्षा की मांग करेंगे पूरी सुरक्षा इनको दी जाएगी। ये ज्ञापन हमने इनका लिया है और सभी थाना प्रभारियों को इनको सुरक्षा प्रदान करने हेतु हम एक पत्र भी लिखेंगे।